हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स कुछ खाने से रिलेटेड नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे सैनिटाइजर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोरोना वायरस कितना फैल रहा है हमारे इंडिया में। ये क्या है कि सैनिटाइजर जो हम मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, लेकिन हमें मार्केट में सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी बहुत कमी हो गई है। मेडिकल स्टोर से ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम इसे खरीदने जाते हैं तो हमें वो 50 रुपए का सैनिटाइजर जो हमारा 80 रुपए का है, 50 रुपए को वो 250 200 रुपए में बेच रहे हैं। बहुत महंगा कर दिया, और वो भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। हमें डुप्लीकेट सैनिटाइजर मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आज हम क्यों ना इसे घर पर ही तैयार करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थोड़ा भारत में ये बहुत बीमारी फैल चुकी है, तो आप इसे थोड़ा साफ सफाई रखें अपने घर में और अपने बच्चों को बार बार हाथ धुलाएं। लेकिन क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो साबुन वगैरह नहीं होता हमारे पास में, तो हम इसे सैनिटाइजर को रख के ले जा सकते हैं और ये जम्स फ्री हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वैसे तो इसमें रबिंग एल्कोहल पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये स्प्रिट लिया है क्योंकि इसे डॉक्टर यूज करते हैं। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रबिंग एल्कोहल बहुत ही कम मिल रहा है। कोई लोग यूज करते हैं, कोई नहीं करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये स्प्रिट का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेट करेंगे और नाप लेते हैं हमें कितना लेना है। तो हम यहाँ पर एक बोतल मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जितना बनाना हो सैनिटाइजर, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी बोतल को भी खोल करके तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक बोतल का ले लिया है, तो स्प्रिट ये देखिए अब मैं इसको डाल रही हूँ। तो मैं दूसरी बोतल को भी ले रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब हम मिलाएंगे इसमें जेल, एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पतंजलि का यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब इसमें हम ये जेल ले रहे हैं, एलोवेरा जेल लिया है हमने। वैसे तो हम एलोवेरा जो घर का होता है, जो पौधा लगा लगा के रखते हैं, हम उसका भी ले जेल ले सकते हैं ताजा, लेकिन हम यहाँ पर बना हुआ ले रहे हैं। लेकिन हम मैं आपको पौधा वाला भी थोड़ा डालूंगी, उसको भी आप दिखाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर ये देखिए 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ताजा हम ले रहे हैं एलोवेरा, तो इससे भी हम जेल बना करके तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं चाकू से। इसको ऐसे हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा चिपचिपा होता है, लेकिन हमें इसे इस तरीके से नाइफ की सहायता से निकाल लेना है। वैसे तो फ्रेंड्स हमारे पास जेल है, लेकिन क्या होता है कि किसी के पास होता है किसी के पास नहीं, लेकिन हम इसमें दोनों यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने जो एलोवेरा जेल डाला था बिल्कुल मिक्स हो चुका है, अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये जार में जो एलोवेरा आपको दिखाया था, जो जो हमने घर का लिया था, उसका जेल बना के हमने उसको बिल्कुल पीस लिया है। इसमें एक भी लम्स नहीं रहे, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमें इसको लगातार इसी डायरेक्शन में चलाना है। तो ये बहुत ही जल्दी जो आप देख रहे हैं झागरा उठ रहे हैं, बिल्कुल झाग इसमें समाप्त हो जाएंगे। तब तक हमें इसको ऐसे चलाते रहना है। इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। देखिए इसमें झाग प्रॉपर ठीक हो गए, लेकिन हल्के रह गए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फ्रेंड्स जो हमारे कितने सारे झाग थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने डिटॉल लिया है जो हम डिटॉल का जो यूज करते हैं, तो इसे अब हम 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसमें जम्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं हाथों से लगाते ही। तो ये देखिए आप
हिमालय या फिर सेवलॉन भी डाल सकते हैं इसमें, जैसा आपको अवेलेबल रहे आप इसे यूज कर सकते हैं। और वैसे तो फ्रेंड्स इसमें एसेंशियल ऑयल पड़ता है खुशबू के लिए, अगर आप डालना चाहें ज्यादा ही खुशबू, लेकिन मैं यहाँ पर ये आलमंड का ऑयल यूज कर रही हूँ इसमें खुशबू के लिए, तो ये थोड़ा ड्राई भी स्किन नहीं होगी इससे, हमारे हाथ एकदम रुके रुके नहीं दिखेंगे, ये खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है इससे, आप कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सैनिटाइजर हमारा बन करके तैयार हो गया है, कम समय में बन करके तैयार हुआ है। और ये आप कोई भी चीज आप सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ी हमारे पास स्प्रिट नहीं है, तो हम क्या करें कि डिटॉल से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन बिना स्प्रिट के ये सैनिटाइजर नहीं बनता है। और आप देखिए मैंने यहाँ पर ये शीशी ली है, खाली बोतल है ये हिमालय की सैनिटाइजर की, तो आप कोई भी घर में जो आपके पड़ी हो सैनिटाइजर की खाली शीशी, तो उसमें इसे भर करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इस शीशी में इसको भर करके तैयार कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सैनिटाइजर को भरेंगे शीशी में हम। तो फ्रेंड्स सैनिटाइजर हमने एक शीशी भर करके तैयार कर लिया है, ये देखिए एक शीशी हमारी भर गई है सैनिटाइजर की। तो अब हम क्या करेंगे, ये सैनिटाइजर हमारा कम से कम इसमें 2 शीशी और भर जाएंगी, वो ये देखिए आप, ये कम मेहनत भी लगी है और ये फटाफट 2 से 3 शीशी हमने घर पर इसे तैयार कर लिया है। आप इसे अपने हाथ पर लगाइएगा और मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ इसे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सैनिटाइजर, ये देखिए ये देखिए इसका कमाल, बिल्कुल हमने लगाया था तब हाथ हमारे बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। इससे बहुत ही हाथ जम्स फ्री हो जाते हैं, जम्स मार देता है कोई भी जम्स, ये देखिए बिल्कुल सूख गए हैं। ये सैनिटाइजर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसे आप देर न कीजिएगा, इसे आप घर पर ही बनाइए और अपने बच्चों को आप इसे बना करके बैग में रख दीजिए, क्योंकि बच्चे तो बार बार स्कूल जाते हैं तो हाथ लगाते रहते हैं वहां पे, क्योंकि ये बीमारी कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा फैल रही है। तो थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान रखें साफ सफाई का, और बच्चों को ये दीजिए सैनिटाइजर, क्योंकि ये जम्स फ्री है। आप देख सकते हैं हमने आपको दिखाया, हाथ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं और आप इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये सैनिटाइजर हमारा वीडियो कैसा लगा है आपको सैनिटाइजर का। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।